नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर एक बार फिर से हिंदी किताबों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ मैं हिंदी किताबों की समीक्षा करती हूँ, बुक रिकमेंड करती हूँ, यानी साहित्य से जुड़ा भरपूर मसाला चाय पर आपको मिलता है। कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन जहाँ पे बना हुआ है, अगर अभी तक क्लिक नहीं किया है तो वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा एक घंटी का निशान आएगा, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज जिस किताब को लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ, उसके लेखक कोई साधारण सामान्य इंसान नहीं, बल्कि जाने माने साहित्यकार, नाटककार, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और भारतीय भाषा परिषद से पुरस्कृत लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं। सुरेंद्र वर्मा की 1993 में आई मुझे चांद चाहिए, इसी किताब के लिए उन्हें 1996 में यानी 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। मुझे चांद चाहिए अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम रंगमंच और सिने जगत के संघर्षों, उसकी बारीकियों, कलात्मक आयामों, कलाकारों के जीवन के अंत और बाह्य संघर्षों का एक बेहद शानदार आख्यान है। न सिर्फ उनके लिए जो थिएटर से जुड़े हैं, नाटक से जुड़े हैं, बल्कि ये किताब उन सबके लिए भी है जो कला प्रेमी हैं, जिनके जीवन में सपनों की कमी नहीं, जो खुद के लिए खुद की आवाज़ बनते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, विद्रोही हैं और सबसे बढ़कर जो मनुष्य हैं। कला एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को इंसान बनाती है, और मुझे चांद चाहिए से बेहतर ढंग से शायद ही कोई उपन्यास इस बात को आप तक पहुंचा सके। मुझे चांद चाहिए की शुरुआत होती है रोमन सम्राट जूलियस सीजर उर्फ कालीगुला के एक संवाद से, जिसकी पहली पंक्ति है, अचानक मुझ में असंभव के लिए आकांक्षा जागी। ऐसी ही एक असंभव आकांक्षा जगती है सिलबिल के मन में, जो कि उपन्यास की नायिका है और अपने जीवन के शुरुआती दौर शाहजहाँपुर की एक छोटी सी बस्ती में यशोदा शर्मा उर्फ सिलबिल के नाम से गुजारती है। और एक रोज़ यही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सिलबिल स्कूल पहुंचती है और अपने हाई स्कूल के फॉर्म में अपना नाम बदलकर वर्षा वशिष्ठ कर देती है। पिता के पूछने पर जवाब देती है कि यशोदा शर्मा नाम में कोई सुंदरता नहीं। यहीं से शुरू होती है सिलबिल के विद्रोह की गाथा, जो वो अपने समाज के खिलाफ, संकीर्ण विचारधाराओं वाले अपने परिवारिक जनों के खिलाफ छेड़ती है। और यहीं से जन्म होता है उस वर्षा वशिष्ठ का, जो अपनी घनिष्ठ सहेली और अपनी प्रेरणा स्रोत दिव्या का सहारा पाकर रंगमंच की दुनिया में कदम रखती है। परिवार वालों के विरोध के बावजूद अभिनय की अपनी लालसा वो दबाती नहीं है, और फिर एक रोज़ तमाम बेड़ियाँ तोड़कर एक क्रांति सी मचाती हुई वो दिल्ली पहुंच जाती है, जहां अपनी प्रतिभा के बल पर वो NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन पा लेती है। कला के प्रति उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसकी मेहनत, उसका त्याग एक रोज़ उसे मुंबई के सिनेमा जगत में एक जानी मानी अभिनेत्री के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। वर्षा की इस यात्रा में एक प्रेमी और सहचर के रूप में उसका साथ देता है हर्ष। पारिवारिक कलह, असंतोष और आत्मयंत्रणा के चलते असमय ही गंभीर हो चली वर्षा अपने जीवन के शुरुआती दौर में कमल नामक व्यक्ति से प्लेटोनिक प्रेम में पड़ती है, तो कभी अपने सह कलाकार मिट्ठू के बेहद करीब आती है, लेकिन ठहराव उसे हर्ष के पास पहुंचकर ही मिलता है। अपने इस यात्रा में वो किन कठिन पड़ावों से होकर गुजरती है, एक लड़की होने के नाते उसको किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जीवन में कई असमंजस भरे मोड़ आते हैं, तब वो अपने प्रेम और अपनी कला में से किसे चुनती है, यही पूरी एक मुकम्मल कहानी है। रंगमंच और सिने जगत की बारीकियाँ, उसका इतना अत्यंत सूक्ष्म अन्वेषण किसी और किताब में मिलना दुर्लभ है। स्टानिस्लावस्की, चेखव, सीगल, ब्रिस्ट जैसे तमाम विश्वविख्यात नाटककारों, उनके नाटकों के पात्र, उनकी शैली, उनके कलात्मक विधान, ये सब बड़े विस्तृत और बेहद शानदार ढंग से उपन्यास में शामिल किए गए हैं। इनकेस अगर आपको, आप इस क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं या फिर आपको नाटक या थिएटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर आप कला प्रेमी हैं, कोई कला, कोई आर्ट आपके जीवन में रंग भरती है या आपको सुकून देती है, तो बस आपको नाटकों की जगह अपने उस कला को रख कर देखना है, और तब आप देखेंगे कि आप इस किताब के साथ ऐसा गहन आत्मीय रिश्ता जोड़ सकेंगे जैसा शायद ही कभी किसी किताब के साथ संभव हुआ होगा। वास्तव में मुझे चांद चाहिए एक कलाकार और उसकी कला के बीच निजी रिश्तों को बयां करती कथा है। स्नेह, चतुर्भुज और रीटा जैसे किरदारों के जरिए कलाकारों का बाहरी संघर्ष जरूर सामने आया है, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ते वक्त कई दफ़ा ये महसूस होता है कि उनके संघर्ष बाहरी न होकर भीतरी ज़्यादा हैं। खासतौर से वर्षा के संघर्ष, वो लगातार अपने अंतर्द्वंद्वों से जूझती रहती है, अपने मन संघर्षों से लड़ती रही है। वो नाटक ऐसे जीती है जैसे जीवन,
जीवन ऐसे जीती है जैसे नाटक, नाटक और जीवन को एकाकार कर प्रस्तुत कर देने का ये अद्भुत कौशल देख लेखक के सम्मान में सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वर्षा के जरिए लेखक का हास्य बोध क्या खूब चपलता के साथ मुखरित हुआ है। एक से बढ़कर एक नुकीले और पैने संवाद, खुद अपने ही दर्द पर मजे लेती वर्षा अपने व्यंग बाड़ों से पढ़ने वाले के दर्द को भी हास्य में बदल देने का साहस रखती है। उपन्यास में कई जगह रंगमंच से जुड़ी कई कठिन शब्दावलियां आई हैं, कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं जो नाटक या थिएटर से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं, और ये चीज़ें जो है वो उपन्यास को कई बार कई दफ़ा बोझिल भी बनाती हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह थिएटर से जुड़ी चीज़ें जानने समझने में इंटरेस्ट लेते हैं तो इस बोझिलपन को आनंद में बदलते देर नहीं लगेगी। उपन्यास में नाटकीय समक्षता, ये एक ऐसा शब्द है जो इतनी बार आया है कि उपन्यास का अंत भी एक नाटकीय समक्षता ही लगता है। हर्ष और वर्षा के रिश्तों की परिणति दुखद किंतु अति नाटकीय ढंग से होती है, और उपन्यास की भाषा के तो क्या कहने। उपमेय उपमानों से सुसज्जित रस छंद अलंकारों को एक सुनियोजित गति लय ताल में निबद्ध करती, किसी संगीत सा आनंद प्रदान करती, इसकी भाषा का सौंदर्य उत्कृष्ट है। ये उपन्यास उन सबके लिए है जो किसी न किसी रूप से थिएटर या नाटक की दुनिया से जुड़े हैं, सिनेमा की दुनिया से जुड़े हैं। ये उन सबके लिए है जो सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कला प्रेमी हैं। लेकिन ये उपन्यास उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अभिनय जगत को जानने समझने में रुचि नहीं रखते। ये उनके लिए भी नहीं है जिन्होंने कभी चांद को पाने की हसरत नहीं की, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिन्हें विद्रोह की भाषा सख्त नापसंद है। मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर इसकी लिंक मुझे मिल जाती है ऑनलाइन तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे ऑर्डर करके खरीद सकते हैं। आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लोज करने से पहले लाइक करते हुए जाइएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा।